गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम साइट वर्ड्स पढ़ेंगे, मतलब शब्द रचना। तो पहले भी हम काफ़ी साइट वर्ड सीख चुके हैं। आज के हमारे साइट वर्ड्स हैं इधर उधर। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा साइट वर्ड किसे कहते हैं? वह शब्द जिन्हें देखकर हम पहचान लेते हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम अपनी बातचीत में और जब हम वाक्य बोलते हैं और लिखते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम डेली जो हम अपने घर में बात करते हैं वो शब्द हैं साइट वर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि इधर और उधर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इधर और उधर जैसे हमने पढ़ा था यहाँ और वहाँ, तो ये उनसे ही मिलते जुलते शब्द हैं। यहाँ मतलब कि कोई पास में चीज़ है तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, उसी तरह इधर शब्द भी हम कोई पास जो चीज़ होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और उधर मतलब वहाँ भी, वहाँ शब्द में भी हमने ये सीखा था कि जो दूर की चीज़ें होती हैं उसके लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही इस शब्द को उधर, उधर इस शब्द को भी हम दूर की चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको कुछ वाक्य लिख के बताती हूँ। जैसे पहला वाक्य है, मेरी पेंसिल इधर रखो। तो बच्चों, जब हम स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं या घर में भी पढ़ते हैं, तो कई बार होता है कि हमारे जो छोटे भाई होते हैं या कोई पेंसिल हमारी ले लेता है, तो हम क्या करते हैं, उससे बोलते हैं ना कि मेरी पेंसिल इधर रखो। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा, मेरी पेंसिल इधर रखो। तो मैंने क्या शब्द यूज़ किया यहाँ पर, इधर। इधर मतलब मेरे पास, पास में रखो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक वाक्य और लिखती हूँ मैं, मुझे मुझे उधर जाना है। तो बच्चों, कई बार हम, आप ज़िद करते होंगे ना मम्मी पापा से, हमें पार्क जाना है, मूवी जाना है, तो हम कई बार ज़िद कर जाते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे उधर जाना है, है ना। तो हमने क्या करा, बात करते हुए हमने इस शब्द को हमने प्रयोग किया ना अपने वाक्य में। जब हम बात करते हैं किसी से भी, तो हम ये शब्द जो हैं डेली हम ये शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या शब्द यूज़ किया, उधर। ठीक है, यहाँ मैंने किया इधर और उधर, मतलब मुझे उधर जाना है। जैसे कोई जगह आपसे दूर है, जैसे पार्क है या कोई भी, किसी का घर, किसी के घर जाना है, तो हम बोलते हैं मुझे उधर जाना है, है ना। ठीक है, तो हम तीसरा वाक्य देखेंगे। तीसरा वाक्य है, हम उधर
रहते हैं। बच्चों, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो बताते हैं ना कि हम उधर रहते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, न्यू फ्रेंड है कोई, तो आप पूछते हो ना तुम कहाँ रहते हो, तो वो अपना घर दिखाता है और बोलता है मैं उधर रहता हूँ, तो हम उधर रहते हैं। तो क्योंकि जगह जो है दूर है, तो उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया, उधर, उधर के लिए मतलब दूर की चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे हमने वहाँ शब्द पढ़ा था ना, उसमें भी हम दूर की चीज़ों के लिए हमने वहाँ शब्द यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम उधर रहते हैं। तो इसमें हमने बताया कि हम उधर रहते हैं मतलब दूर रहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक और वाक्य है, तुम इधर आओ, तो इस ये भी वाक्य बेटा बच्चों जो है हम डेली यूज़ करते हैं। मम्मी पापा आपके जब आपको अपने पास बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। जब मम्मी पापा अपने पास बुलाते हैं, कोई भी अपने पास बुलाता है, तो क्या शब्द यूज़ करते हैं, इधर, तुम इधर आओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो वाक्य है वो हम देखते हैं, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो। तो बच्चों यहाँ पर मैंने दोनों शब्द यूज़ करे हैं, इधर उधर मत देखो। ये कब हम वाक्य यूज़ करते हैं आपको पता है, आपकी मम्मा अगर आपको पढ़ा रही होती हैं, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो मम्मा क्या बोलती हैं, इधर उधर मत देखो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर उधर मतलब कभी हम लेफ़्ट साइड देखते हैं या राइट साइड देखते हैं या बाहर देखते हैं, तो क्या बोला जाता है, इधर उधर मत देखो। ठीक है, लास्ट जो वाक्य है वो ये है, यह फल इधर लेकर आओ। यहाँ पर भी क्या शब्द यूज़ हुआ है बच्चों, इधर मतलब हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, या कोई फ्रूट है, फल, मैंने फल लिखा है यहाँ पर, यह फल इधर लेकर आओ। तो यह फल किसी से आप मंगा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यह फल इधर लेकर आओ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने कौन से साइट वर्ड पढ़े, इधर और उधर। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन शब्दों को पहचानना है, आपको सिर्फ पहचानना है। तो जैसे अब आप बताएंगे मुझे कि कहाँ कहाँ पर ये दोनों शब्द मैंने यूज़ किए, जल्दी से बताएंगे। तो पहला वाक्य हम देखेंगे, पहले वाक्य में क्या लिखा है, मेरी पेंसिल इधर रखो, इधर। तो ये साइट वर्ड जो हमने पढ़ा है वो है इधर, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे उधर जाना है, उधर जाना है, तो हमने यहाँ क्या शब्द यूज़ किया था, उधर। फिर हम उधर रहते हैं, तो इसमें भी हमने यहाँ लिखा है उधर, तो इसको हम सर्कल करेंगे। तुम इधर आओ,
तो यहाँ हमने क्या शब्द यूज किया, इधर इधर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर हमने दोनों शब्द यूज किए, इधर उधर, इधर उधर मत देखो। तो यहाँ पर हम इधर को भी सर्कल करेंगे और उधर को भी सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है यह फल इधर लेकर आओ। तो हमने कहाँ यूज़ किया, इधर इधर, तो हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया आज का साइट वर्ड्स, आज के साइट वर्ड कौन सा था, कौन से थे, इधर और उधर। सेम जैसे हमने यहाँ और वहाँ पढ़ा था, ऐसे ही इधर और उधर है। तो बच्चों आपका ये होमवर्क है, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ऐसे करना है। इसके लिए आप अपनी मम्मा की हेल्प लेंगे, मम्मा आपकी ये वाक्य लिखेंगे और आपको सिर्फ शब्द पहचानना है। जो हमने शब्द पढ़ा है ना बच्चों, कौन सा शब्द पढ़ा आज हमने, हमने पढ़ा इधर और उधर। सिर्फ आपको पहचानना है और उसको सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।